क्या ऐसी कोई जांच है जिसमें बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए या बिना किसी सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरे दिनचर्या में जीते हुए हम हार्ट के ब्लॉकेजेस के बारे में जान सकते हैं? नमस्कार, पीपल हार्ट एंड हेल्थ केयर सेंटर के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं राजस्थान के सुप्रसिद्ध रेडियोलॉजी कंसल्टेंट एंड गोल्ड मेडलिस्ट और सूर्यम डायग्नोस्टिक सेंटर के ऑनर डॉक्टर मितेश गुप्ता से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मितेश गुप्ता है एंड आई एम द कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड ओनर ऑफ सूर्यम डायग्नोस्टिक सेंटर। आज मैं आपको सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बेसिकली सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसके फायदे ये हैं कि ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, ये इसके लिए कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, पेशेंट को मात्र 2 से 3 घंटे में ये प्रोसीजर फिनिश होकर अपने घर आराम से जा सकता है और अपने डे रूटीन की लाइफ या वर्क कंटिन्यू कर सकता है। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए 2-3 चीज़ें मैंडेटरी है। नंबर 1, पेशेंट का 2 घंटा फास्टिंग होना ज़रूरत है। नंबर 2, पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिया टेस्ट होना नॉर्मल होना ज़रूरी है। नंबर 3, पेशेंट की पल्स रेट बिलो 70 होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट पेशेंट फुलफिल कर लेता है तो मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी पेशेंट की कंप्लीट हो जाती है और पेशेंट आराम से अपने घर और वर्क के लिए जा सकता है। आइए मैं आपको सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज या कैल्सिफाइड प्लेक्स या सॉफ्ट प्लेक्स कैसे दिखते हैं उसके बारे में दिखाता हूँ। ये एक पेशेंट की सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हो रखी है। आप इस फिल्म में देख रहे हैं, ये मेन आर्टरी है। इस आर्टरी में जो वाइट प्लेक्स दिख रहे हैं ये कैल्सिफाइड प्लेक्स हैं और जो डार्क प्लेक्स दिख रहे हैं ये सॉफ्ट प्लेक्स हैं, जिससे अपन परसेंटेज ऑफ नैरोइंग कितनी हो रखी है और डिस्टली फ्लो कितना जा रहा है ये अच्छे से पता कर सकते हैं। ये सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कौन करवा सकता है? बेसिकली कोई भी एज का व्यक्ति ये प्रोसीजर आराम से करवा सकता है। दूसरा, जो भी व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है बट अपना हार्ट का स्टेटस या स्क्रीनिंग पर्पज़ या कोई ब्लॉकेज है कि नहीं ये जानने के लिए भी करवा सकता है। तीसरा, जिनकी भी बाईपास सर्जरी हो रखी है या स्टेंट डलवा चुके हैं वो भी एज ए स्टेंट में ब्लॉकेज हुआ है कि नहीं, अगेन परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज देखने के लिए ये करवा सकता है। और चौथा, अगर कोई भी पेशेंट अगेन कोई भी सर्जरी के लिए या इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए रेडी नहीं है या फिट नहीं होता वो व्यक्ति भी आराम से ये प्रोसीजर करवा सकता है। इसमें इंजेक्शन के माध्यम से ही डाई को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और 10 मिनट के स्कैन के बाद हमें ये पता लग जाता है कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस किस जगह पर हैं, कितना परसेंट हैं और कैल्सिफाइड हैं या नॉन कैल्सिफाइड हैं। अधिक जानकारी आपको मेरी वेबसाइट peopleheartshealth.com पर प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।